बच्चों गुड मॉर्निंग। विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराहट अयोध्या ई ट्यूटोरियल के माध्यम से आपका स्वागत करता है। मैं मायाराम यादव। आज हम क्लास 7 समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र अध्याय 2 व्यवस्थापिका के अंतर्गत राज्यसभा का अध्ययन करते हैं। बच्चों पिछले भाग में हमने लोकसभा के बारे में अध्ययन किए थे, आज हम भाग 5 में राज्यसभा के बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि पिछले भाग में हमने बताया था कि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इस सदन को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। बच्चों आज बस इतना ही, कल इसके आगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।